हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए एलिमेंट्स का मैथ और चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 26। इसे यहाँ जो इक्वेशन दे रखी है ये भी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना है और इसको सिंप्लीफाई करके हम सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। 9 - 3y - 1 - 9y = 8/5। तो ये आसानी से हो जाएगी। आपको करना होगा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और फिर सिंपल इक्वेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं, लेट अस डू। नाइन माइनस थ्री वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, ब्रैकेट के अंदर होगा 9 - 3y मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 1 - 9y मल्टीप्लाई 8। तो जो ये 5 है इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया और ये 1 - 9y है इधर जाकर के 8 से मल्टीप्लाई हो गया। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 5 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 9 और माइनस का 5 × 3y इज इक्वल टू 1 - 8 - 9y = 8। मतलब 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और आपको मिलेगा 5 × 9 = 45 और 5 - 3y से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ आपको मिलेगा माइनस का 15y। ठीक है, इसी तरीके से 1 × 8 = 8 हो गया और 8 × 9 = 72y हो जाएगा। y पहले था तो 8 × 9 = 72y। तो अब ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आपको वो स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए ही सिर्फ लिखा था। अब ये सिंपल इक्वेशन बन चुकी है पहले के मुकाबले में। अब y वाले वेरिएबल को हम एक तरफ रखेंगे और कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ, मतलब ट्रांसपोजिंग करेंगे। आपको ये स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी अगर टीचर कहें तो आप लिख सकती हैं, तब आपको लिखनी होगी, बाकी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बच्चों को समझाने के लिए टीचर कह देते हैं कि बेटा आप ऐसा लिख लो और सबके लिए फिर वो कंपलसरी हो जाता है। ट्रांसपोजिंग माइनस का 72y ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड माइनस जो 72y है ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा और 45 है ये राइट हैंड साइड में जाएगा, इक्वल के 45 ऑन द राइट हैंड साइड। तो क्या लिखा जाएगा, माइनस का 15y और ये 72y माइनस का है लेफ्ट हैंड साइड में आकर के प्लस का हो जाएगा। याद रखिएगा ट्रांसपोजिंग के टाइम निशान जरूर बदलता है। 8 = 45 प्लस का था, इधर आकर के ये हुआ माइनस का 8 - 45। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो निशान बड़ी वैल्यू का आएगा, 45 में से 8 को माइनस करेंगे तो 30 कितना आएगा, 37 माइनस का, निशान बड़ी वैल्यू का आएगा।
एट माइनस 45 माइनस का 37, डिफरेंट साइन थे इसलिए सब्ट्रैक्शन हुआ, डन। और लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या मिलता है, माइनस 15y प्लस 72y। तो डिफरेंट साइन यहाँ पर भी है, तो 72 में से 15 को माइनस करेंगे, 72 15 माइनस बोरो किया इसने, ये बना 12 और इसने बोरो दिया तो ये 6, ठीक है, इसने उधार दिए इसको, तो 12 माइनस 5 हुआ 7, 6 बचा, 6 माइनस 1 हुआ 5, 57, और निशान माइनस का होगा, माइनस का नहीं होगा क्योंकि ये प्लस का निशान है और ये माइनस का है, तो बड़ी वैल्यू का निशान आता है, बड़ी वैल्यू 72 है जिसकी वजह से निशान प्लस का आएगा 57। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 57, 57y इज इक्वल टू 8 माइनस 45, ये हमने सोल्व किया था, माइनस का 37 आया था। अब y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू हुई 37y में 57। अब है चेकिंग, जो कि ज़रूरत नहीं है तब आप कर सकते हैं जब आपको चेक करना हो कि आपका जो सॉल्यूशन है वो सही है या कि नहीं, ओके। तो इसकी चेकिंग करने के लिए हम करेंगे जो ये वैल्यू है y की, ये पुट करेंगे, किसमें, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में y है तो यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करना है, राइट हैंड साइड में y नहीं है तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। y की जगह आ जाएगा माइनस 37/57, इसी तरीके से यहाँ पर भी y की जगह आ जाएगा इसमें 3 से ये कट रहा है तो इसे काट देते हैं, 3 से 57 कट के क्या आएगा, 3 बन जा 3 बचा 2, 27 27, 39 जा 27, 39 आ गया, ठीक है। और इसी तरीके से फिर यहाँ पर भी यही चीज़ होगी, ये तो 9 से ही कट रहा है लेकिन हम 3 से काटेंगे क्योंकि हमें फिर डिनोमिनेटर 39 चाहिएगा, तो एक जैसे ही कर लेते हैं, ये सही है, 3 बन जा 3, 39 जा 27, ठीक है, ये तो 9 से कटना चाहिए ना ये, ओके। यहाँ ये गलती हुई है, यहाँ पर ये 1 आएगा, 3 बन जा 3, 1 पे गया ना, इसी तरीके से यहाँ पर भी फिर यही चीज़ होगी, इसे हम 9 को और 57 को काट देते हैं, यहाँ पर कट करके आपको क्या मिलने वाला है, 9 से तो नहीं कटेगा ना, अभी ये सिर्फ 3 से कटेगा, 3 से कट के आपको मिलेगा 19 और ऊपर मिल रहा है 3, क्लियर हुआ, मतलब क्या हुआ कि अब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना, हो रहा है, चलो इसको थोड़ा और तरीके से कर देते हैं,
इसको मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट के अंदर, और बीच में लगा देंगे हम डिवाइड का निशान। और जो ये वाली वैल्यू है इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब हमें मिलता है यहाँ पर माइनस का 37 और ये कट गया, और यहाँ पर ये माइनस का 57 है, ये कट गया, और इसी तरीके से यहाँ पर कट के ये 3 बच गया बस, और नीचे ये काट। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होगा, ये वाला मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा। कितना आएगा 37 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 3 7 जा 21 1 2 3 3 जा 9 9 2 11 ट्रिपल 1 माइनस का ट्रिपल 1 हो गया, और ये कट जाएगा। डन। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो डेनोमिनेटर में बराबर करना होगा, नीचे भी 19 लेकर के आना है। इसको करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर और नीचे 19। अब 19 9 से मल्टीप्लाई होगा और आपको मिल जाएगा, क्लियर हुआ ना। डेनोमिनेटर को 19 बनाने के लिए, क्योंकि 9 के नीचे फिर 1 माना जाएगा, कुछ भी नहीं है, तो इसी तरीके से 1 के नीचे 1, तो 19 by 19 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 19 by 19 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 111 आ गया, और फिर 1 को लिखा 19 by 19 से मल्टीप्लाई करके, ताकि डेनोमिनेटर में 19 आ जाए, दोनों तरफ ब्रैकेट में डेनोमिनेटर बराबर हो जाए। अगेन नाउ अब 19 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 99 जा होता है 171। और यहाँ पर ये कट जाएगा और 19 by 19 ही बच जाएगा, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 171 और ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो प्लस हो गया ना, तो 171 को 37 से प्लस करेंगे, प्लस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए 178 73 10 1 1 and 1 2 208। यहाँ से इसको सोल्व किया तो ये बनेगा 208। और इधर आप सोल्व करेंगे, यहाँ पर भी माइनस और माइनस हो गया प्लस, और 119 में 19 प्लस करेंगे तो 130 होगा, राइट 130, ये माइनस हट जाएगा और ये पूरी टर्म खत्म, ठीक है। अब क्योंकि डिवाइड के राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यू का रेसिप्रोकल होता है जब ये मल्टीप्लाई में बदलता है, तो 208 by 19 और ये मल्टीप्लाई होगा इसका रेसिप्रोकल, ऊपर 19 आ जाएगा और नीचे एग्जैक्टली 130। 19 से तो 19 कट गया, और
ये जो है टू की टेबल में कट रहे हैं, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू फाइव जा टेन, और ये भी कट रहा है 104। थर्टीन की टेबल पे दोनों कट रहे हैं, थर्टीन फाइव जा 65, और ये आ जाएगा 13 8 जा 104, राइट। 8 बाई 5 आ गया ना, ऐसे ही आपको काट के दिखाना है। 8 बाई 5 आ रहा है, जो कि ये वाला बिल्कुल सेम टू सेम है, राइट। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करी और हमारी जो वैल्यू आई वो राइट हैंड साइड की आ गई। इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है बिल्कुल ठीक है। हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे, पहले वाले क्वेश्चन में भी नहीं लिखी गई तो आप यहाँ पर भी लिख लेंगे। ये जो था वाई के लिए था सॉल्यूशन पहले वाला, और ये सॉल्यूशन एक्स के लिए ही है, वेरिएबल यहाँ पर एक्स है। हैंस आर सॉल्यूशन फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स इज राइट, यहाँ पर ही वाई है, ओके। तो यहाँ पर भी हम वाई लिखें तो ठीक है। समझ में आया ना आपको कैसे हमने ये सोल्यूशन किया? होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, और हाँ गलतियाँ मैं भी कर सकता हूँ, अगर गलती हो जाए तो सॉरी फॉर दैट, और आप उसे सुधार लीजिए। सुधार लेंगे ना, गुड, क्योंकि आप तो ब्रिलियंट हैं। अब ये वाला सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जहाँ तक का आपका सोल्यूशन है। और फिर है चेकिंग एक पार्ट ये वाली, फिर है सेकंड पार्ट ये वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। बाय।